नमस्कार, डीजी स्टडी में आपका स्वागत है। यहाँ हम कक्षा 10 हिंदी मीडियम में गणित सब्जेक्ट के प्रकरण नंबर 15 की, जिसका नाम है प्रायिकता, के बारे में चर्चा करेंगे। परंतु उसके पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और पास दिख रहे बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल नोटिफिकेशन को अनेबल कर दें, ताकि हमारे चैनल पर आने वाले सारे वीडियो आप सरलता से देख सकें। तो मित्रों, पार्ट वन में हमने प्रायिकता के कुछ प्राथमिक ख्यालों के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमने देखा था कि सैद्धांतिक प्रायिकता क्या होती है, उसके पश्चात प्रायोगिक प्रायिकता क्या होती है, उसके बारे में अभ्यास किया था। यहाँ पर हम उसके आगे के बारे में अभ्यास करेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले देखते हैं कि कुछ जानने जैसा। तो देखिए मित्रों, ये सवाल एक अंक में पूछे जा सकते हैं, SQ में। तो हमें याद रखना है कि लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए मित्रों, जब भी कोई वर्ष लीप वर्ष होता है तो उसमें दिनों की संख्या होती है 366। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई वर्ष लीप वर्ष है या नहीं है? तो मित्रों, याद रखिएगा कि जैसे कि कोई भी वर्ष होता है तो उसमें अंतिम के दो अंकों को 4 से भाग दीजिए। अगर अंतिम के दो अंकों का 4 से भाग देने पर शेष 0 बचता है तो मतलब वो वर्ष लीप वर्ष है, और अगर भाग देने पर शेष 0 नहीं बचता तो वो वर्ष लीप वर्ष नहीं माना जाएगा। जैसे कि हम बात करें 2020 की, तो 2020 में अंतिम के दो अंक देखिए, यहाँ पर अंतिम के दो अंक है 20। तो 20 को हम लोग क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। तो देखिए, 4 पंचे होता है 20, तो देखिए शेष यहाँ पे 0 बच रहा है, मतलब शेष 0 बच रहा है, मतलब कि यह जो है वो लीप वर्ष 2020 है, वो लीप वर्ष है। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर कोई 2021 होता तो देखिए यहाँ पर शेष 1 बचता, तो मतलब कि उस कंडीशन में जो 2021 है वो लीप वर्ष नहीं है। अब मित्रों, याद रखिएगा कि कोई भी लीप वर्ष होता है वहाँ पर दिनों की संख्या होती है 366। उसी प्रकार से हमें याद रखना है कि जो लीप वर्ष में फरवरी महीना होता है, फरवरी महीने में हमेशा दिनों की संख्या 29 होगी। जब भी कोई भी वर्ष लीप वर्ष होगा तो उस समय हमें यही याद रखना है कि जो फरवरी महीना है उसमें दिनों की संख्या होती है 29। उसी प्रकार से सामान्य वर्षों में दिनों की संख्या होती है 365। उसी प्रकार से सामान्य वर्ष में फरवरी जो महीना होता है उसमें दिनों की संख्या होती है 28। इसी फरवरी महीने की वजह से लीप वर्ष में एक दिन की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए उसे हम लीप वर्ष कहते हैं। अब देखिए मित्रों, किसी भी लीप वर्ष में गुरुवार 53 गुरुवार आए, उसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखिए मित्रों, वो प्रायिकता हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले मित्रों, हमें क्या करेंगे कि जो लीप वर्ष होता है उसमें दिनों की संख्या ज्ञात करेंगे। देखिए, लीप वर्ष में दिनों की संख्या होती है 366। अब हमें पता है कि हफ्ते में दिनों की संख्या होती है 7। अब इसे हम भाग करते हैं। तो देखिए मित्रों, 366 को हम लोग 7 से भाग करेंगे तो देखिए 7 बचे होता है 35। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर एक शेष बच रहा है। उसी प्रकार से 16 नीचे आ जाएगा और 7 दूनी होता है 54। तो 7 दूनी होता है 14। तो देखिए यहाँ पर 2 शेष बच रहा है। देखिए मित्रों, अब यहाँ पर 2 शेष बच रहा है और अब हमें पता चल गया कि देखिए 52 हफ्ते होते हैं, मतलब कि 52 पूरे के पूरे हफ्ते आते हैं, तो यहाँ पर 52 सप्ताह में इसमें 52 गुरुवार भी आते होंगे। तो जो 53 वाला गुरुवार है वो कौन से में होगा? वो बाकी के 2 जो दिन शेष बच रहे उसमें हो सकता है 53वां गुरुवार। तो देखिए मित्रों, तो हमें क्या करना है कि देखिए 53वां गुरुवार आए, उस घटना को हम लोग मान लेते हैं एक। अब देखिए 53वां गुरुवार कौन सा आएगा, जब वो बाकी के जो दो शेष दिन है उसी में आ सकता है, तो हम क्या कहेंगे कि घटना ए के लिए संभव परिणाम हमें मिल जाएगा 2। उसी प्रकार से कुल संभव परिणाम हमें प्राप्त है कितना है, 7। तो हमारा जवाब आ जाएगा PA बराबर कुल संभव परिणाम मतलब कि 7 और घटना ए के अनुकूल परिणाम मतलब कि 2, मतलब कि 2/7 हमें इसका जवाब मिलेगा। उसी प्रकार से हमें पूछा जाए कि किसी लीप वर्ष में जुलाई महीने में 5 रविवार आए, उसकी संभावना ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मित्रों, हमें यह ढूंढना है कि जुलाई महीने में कितने दिन होते हैं। तो देखिए मित्रों, हमें पता है कि कोई भी जुलाई महीना होता है तो जुलाई महीने में 31 दिन होते हैं। तो सबसे पहले हम इसे 7 से भाग कर देते हैं तो हमें शेष दिनों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए, 7 से जब हम इसे भाग करेंगे तो आएगा 7 × 28। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर 3 शेष बच रहा है, मतलब कि देखिए यहाँ पर 4 पूरे हफ्ते आ रहे हैं, मतलब कि 4 रविवार तो आएंगे ही आएंगे। 5वां रविवार कौन से दिन हो सकता है? ये 3 दिनों में से कोई भी दिन रविवार हो सकता है। तो मतलब कि 5वां जुलाई महीने में 5 रविवार आए, वो घटना को हम लोग मान लेते हैं ए। तो देखिए, तो 5वां रविवार ये 3 दिनों में से कोई एक दिन हो सकता है, तो हम क्या कहेंगे कि घटना ए के अनुकूल परिणामों की संख्या हमें मिल जाएगी, कि हमारे घटना ए के अनुकूल परिणाम मिलेंगे 3। अब देखिए मित्रों, इसकी हम प्रायिकता ज्ञात करेंगे PA बराबर। देखिए, घटना ए के अनुकूल परिणामों की संख्या 3 और हमें पता है कुल संभव परिणाम कितने मिलेंगे, हमें 7 मिलेंगे। तो हमारा जवाब हो जाएगा 3/7। उसी प्रकार से हमारा अगला सवाल है कि लीप वर्ष में
फरवरी महीने में 5 बुधवार आए उसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए मित्रों, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि फरवरी महीने में कितने हफ्ते होते थे। देखिए हमें पता है कि कोई भी लीप वर्ष है तो लीप वर्ष में फरवरी महीने में 29 दिन होते हैं, उसे हम 7 से भाग कर देंगे तो देखिए क्या आएगा, 7 चौक 28, तो एक दिन जो है वो शेष मिल रहा है। और ये जो बाकी के 4 हफ्ते हैं, 4 हफ्ते पूरे हफ्ते आते थे जिसमें चारों के चार हफ्ते में बुधवार भी आएगा, और बाकी के जो एक दिन शेष बच रहा है, एक दिन शेष बचने में कोई वो बुधवार है या नहीं उसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे मित्रों, तो देखिए हम कहेंगे कि जो भी फरवरी महीने में 5 बुधवार आए वो घटना को हम लोग ए मान लेते। तो देखिए घटना ए के अनुकूल परिणाम हमें मिल जाएंगे एक, इसलिए कि हमें एक शेष मिल रहा है मतलब कि एक शेष एक अनुकूल परिणाम होगा। उसी प्रकार से पूल संभव परिणाम हमें पता है कि 7 है, 7 दिनों में से कोई भी दिन हो सकता है, चाहे सोमवार मंगलवार बुधवार बुधवार गुरुवार शनिवार या फिर रविवार, इतने में से 7 दिनों में से कोई भी दिन हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, पी ऑफ ए बराबर 1/7 हम लोगों का जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला सवाल हमारा यह है कि किसी भी सामान्य महीने में शुक्र 5 शुक्र फरवरी महीने किसी भी सामान्य फरवरी महीने में 5 शुक्रवार आए उसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखिए मित्रों, सबसे पहले हम सामान्य वर्ष होगा तो उसमें फरवरी महीने में 28 दिन होता है, उसको हम लोग 7 से भाग करते हैं। तो देखिए 7 चौक 28 मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा, यहाँ पर देखिए 0 बच रहा है, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा 4 हफ्ते ही आएंगे, 5वां हफ्ता कोई हो सकता नहीं है। तो मतलब कि 5वां मतलब कि शुक्रवार आए उसकी घटना कितनी होगी हमारी, 0, मतलब कि 5 शुक्रवार है ऐसा कोई घटना हो सकता नहीं है, तो यह घटना असंभव घटना है। और देखिए इसकी प्रायिकता किस तरह हम याद करेंगे, तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि मान लेंगे कि जो फरवरी महीना है उसमें शुक्रवार आए वो घटना ए। अब देखिए हम घटना ए के अनुकूल परिणामों की संख्या ढूंढेंगे, तो देखिए हमने ढूंढा कि हमें शेष मिल रहा है 0, तो 0 शेष मिल रहा है तो मतलब कि घटना ए के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 0, मतलब कि यह घटना कैसी मान जाएगी, असंभव घटना मानी जाएगी। तो हमारा पी ऑफ ए बराबर हमारा क्या बन जाएगा, 0/7 जो आएगा 0। अब यह जो है यह घटना असंभव है, मतलब कि किसी भी सामान्य वर्ष में फरवरी महीने में कोई भी दिन 5 बार नहीं आ सकता है। उसी प्रकार से किसी भी वर्ष में अप्रैल महीने में 5 मंगलवार आए उसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम अप्रैल महीनों के दिनों की संख्या ज्ञात करेंगे, तो देखिए मित्रों अप्रैल महीने में टोटल दिन होते हैं 30, उसको हम 7 से भाग करेंगे तो 7 चौक होता है 28, तो देखिए कितना शेष बच रहा है हमें, 2 शेष बच रहा है, मतलब कि 4 हफ्ते तो पूरे आएंगे, 5वें हफ्ते में खाली 2 ही दिन है जो आ सकते हैं, तो 2 दिन में क्या काश वो मंगलवार भी हो सकता है शायद, तो ये 2 दिन में मंगलवार आए उसकी घटना हम लोगों को मिलेगी 2/7। तो हमें इसे कैसे गिनेंगे, तो देखिए मित्रों हम क्या कहेंगे, सबसे पहले मान लेंगे कि 5 मंगलवार आए वो घटना ए है, अब घटना ए के अनुकूल परिणामों की संख्या हमें मिल जाएगी 2, अब पी ऑफ ए बराबर हमें मिलेगा 2/7। उसी प्रकार से हमारा अगला सवाल है कि रक्षा को विज्ञान में 50 में से 50 अंक मिले उसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखिए मित्रों हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए मित्रों अब हमें पता है कि यहाँ पर कुल संभव परिणाम हमें सबसे पहले पता लगाना पड़ेंगे। देखिए मित्रों 1 से 50 तक के अंक तो उसके रक्षा के आ सकते हैं, उसके सिवाय उसके 0 अंक भी तो आ सकते हैं, मतलब कि हमें 0 अंक भी आ सकते हैं, मतलब 1 से 50 तक के तो आएंगे ही आएंगे, साथ में 0 भी आ सकते हैं, मतलब कि कुल संभव परिणाम हमारे हो जाएंगे 51। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर उसका हल करेंगे, तो देखिए माना कि रक्षा को विज्ञान में से 50 में से 50 अंक मिले वह घटना को हम लोग मान लेते हैं ए, तो घटना ए के हमें संभव परिणाम कितने मिलेंगे, 51 मिलेंगे, 1 से 50 तक के अंक तो आएंगे ही आएंगे, साथ में 0 भी आ जाएगा, मतलब कि कुल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे, 51 हो जाएंगे। तो घटना ए के संभव परिणामों की संख्या देखिए अब 50 में से 50 मिले वो घटना तो खाली एक ही बार हो सकती है, मतलब कि घटना ए के संभव परिणामों की संख्या हो जाएगी 1, तो हमारा यह आंसर हो जाएगा 1/51। उसी प्रकार से कोमल को सामाजिक विज्ञान में 80 अंक में से 75 अंक प्राप्त हो उसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए मित्रों तो हम कैसे इसको ज्ञात करेंगे, तो देखिए हम मान लेंगे कि जो कोमल को सामाजिक विज्ञान में 75 गुण मिल रहा है वो घटना ए है। अब देखिए मित्रों हमें पता है कि 1 से लेकर 80 तक के कुछ 80 संभावनाएं तो हो सकती है, उसके साथ साथ कोमल के 0 भी अंक आ सकते हैं, मतलब कि टोटल संभव परिणाम हमें कितने मिलेंगे, 81 मिलेंगे, और घटना ए के अनुकूल परिणाम मतलब कि 75 अंक मिले वो हमें कितनी बार मिलेंगे, खाली एक ही बार मिलेंगे, तो हमारा मिलेगा पी ऑफ ए बराबर घटना ए के अनुकूल परिणाम कितने हैं हमारे 1, और कुल संभव परिणाम हमारे कितने हैं
81, मतलब कि हमारा जवाब क्या आ जाएगा, 1/81 आएगा। उसी प्रकार से हमारा अगला सवाल है कि भाविक गणित की परीक्षा 26 जनवरी को दे, उसकी प्रायिकता हमें बतानी है। तो देखिए मित्रों, जो 26 जनवरी है, अब मित्रों हमें पता है कि 26 जनवरी तो छुट्टी का दिन होता है, मतलब कि यहाँ पर तो राष्ट्रीय छुट्टी का दिन होगा, तो इस दिन में तो कोई एग्ज़ाम कोई दे नहीं सकता। तो मतलब कि भाविक को, भाविक जो 26 जनवरी को एग्ज़ाम दे, वो घटना तो हो ही नहीं सकती। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि भाविक का जो 26 जनवरी को है वो घटना ए, 26 जनवरी को एग्ज़ाम दे वो घटना ए है। अब घटना ए के संभव परिणाम कितने हो जाएंगे हमारे, 0। तो हमारे क्या आएगा, 0/31, मतलब कि 0, मतलब कि असंभव घटना है, इसलिए कि छुट्टी के दिनों में एग्ज़ाम दिया जा सकता नहीं है। दिस इज द एंड ऑफ अवर लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।